Assalamualaikum students, welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं FBISC का सॉल्व ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी पेपर ऑफ FA पार्ट 2, यानी इंटरमीडिएट पार्ट 2 का पेपर या फिर HSSC पार्ट 2 का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये लास्ट ईयर का पेपर है यानी 2023 ईयर का. और इसमें दोनों ही हैं फॉर्मेट्स, इंग्लिश और उर्दू दोनों ही मेंशन है, तो मैं आपको उर्दू में साथ साथ MCQs एक्सप्लेन भी करूँगी. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके सामने ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा साइकोलॉजी FA पार्ट 2 का, ये HSSC पार्ट 2 का. टोटल मार्क्स जो होते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के वो 20 होते हैं और टाइम जो होता है इसके लिए वो 25 मिनट्स होते हैं. और ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ये, इसको सेक्शन ए कहा जाता है, ये कंपलसरी होता है और सारे के सारे MCQs को आंसर करना होता है और अपना पेपर जो है वो सुपरिटेंडेंट को हैंड ओवर करना होता है. डिलीटिंग, ओवरराइटिंग अलाउ नहीं है, लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते. यहाँ पर आप अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे और बबल्स फिल करेंगे, जो भी आपके नंबर्स हैं रोल नंबर के. यहाँ आंसर शीट नंबर आप मेंशन करेंगे, यहाँ इन्विजिलेटर साइन करेगी. सो इस तरह से आपने स्टार्ट में गाइडलाइंस को फॉलो करना है और फिर अपना पेपर अटेम्प्ट करना है. कैंडिडेट साइन का भी मेंशन होगा, आपने अपना सिग्नेचर यहाँ पे लाजमी करना है. और इसी तरह से MCQs आपके सामने आएंगे और MCQs के आगे ABCD और बबल्स जो हैं वो मेंशन होंगे. जो राइट ऑप्शन होगा आपने उसका बबल फिल करना है. सो नंबर वन MCQ इज द रिसर्च मैथड इन विच पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस आर कम्पेयर्ड एज द सेम पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड डैश रिसर्च. ऐसी रिसर्च जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स को कंपेयर किया जाएगा एक ही टाइम में, सो वो कौन सी तहकीक या मुताला कहलाएगी? वो कहलाएगी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जिसको उफकी असलूब कहा जाता है. तो इस लिहाज से राइट ऑप्शन हमारा ए है, तो ए बबल जो है वो आप फिल कर देंगे पेन से. ठीक है, नंबर टू पे है प्रीनेटल स्टेज इन विच हार्ट एंड ब्रेन बिकम प्रोमिनेंट इज कॉल्ड. प्रीनेटल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को रिकॉल करें तो देर आर थ्री मेन स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, जिसमें नंबर वन पे है जर्मिनल स्टेज, नंबर टू पे है एम्ब्रियोनिक और नंबर थर्ड पे है फीटल स्टेज. नंबर वन जो है जर्मिनल स्टेज, वो कंसेप्शन टू 2 वीक्स होती है और उसमें सारे चेंजेस को असेस किया जाता है. नंबर टू पे है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो 3 to 8 week तक चलती है. और लास्ट है फीटल स्टेज, जो 9 week टू टिल बर्थ जो चेंजेस होती हैं उसमें असेस किए जाते हैं. सो देयर आर थ्री मेन स्टेजेस और एम्ब्रियोनिक स्टेज में हार्ट और ब्रेन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, यानी नुमाया हो जाते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज एम्ब्रियोनिक स्टेज. नंबर थ्री पे है साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी वॉज पुट फोर्थ बाय सिगमंड फ्रॉइड. आपको अच्छे से सिगमंड फ्रॉइड का नाम या थेरिस्ट का नाम पता होगा. ही हैज गिवन साइकोसेक्चुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें ऑरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल स्टेजेस को डिस्कस किया है, फिक्सेशंस की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, ये क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजिंग्स होती हैं स्टेज बाय स्टेज. ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज सिगमंड फ्रॉइड. नंबर फोर पे है पियाजे फाउंड दैट ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर फेज डैश इज अचीव्ड. के पियाजे के अकॉर्डिंगली हिस्सी हरकी मरहले में बच्चा किस वकूफ़ी अमल के काबिल होता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का पता हो जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट उसके सामने नहीं है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है. ये कॉन्सेप्ट जो है वो उसका कॉग्निटिवली डिवेलप हो जाता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑब्जेक्ट परमानेंस. और इसी तरह पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें भी पियाजे ने स्टेजेस के लिहाज से कॉग्निशन को बताया है कि किस तरह से इंसान, एक बच्चा जो है वो वकूफ़ी लिहाज से नशोनुमा पाता है या फिर वो ग्रो कर रहा होता है. नंबर फिफ्थ पे है द पीरियड ऑफ मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स इज कॉल्ड पबर्टी, जिसे उर्दू में बलूगत कहा जाता है. नंबर सिक्स पे है जी अ पर्सन्स रिस्पॉन्स टू थ्रेटनिंग एंड चैलेंजिंग इवेंट इज कॉल्ड. एक पर्सन का थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग सिचुएशन में जब रिस्पॉन्स होता है वो क्या कहलाता है? इट्स बेसिकली नोन एज
स्ट्रेस जिसको उर्दू में फशार कहा जाता है। नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, कौन सा इसमें से जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन है जी एक्सेप्टेंस। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम को GAS भी कहा जाता है और ये स्ट्रेस की तरफ जो हमारा रिएक्शन होता है उसको एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले जो इसमें स्टेज होती है वो रेजिस्टेंस अलार्म होती है, फिर होती है रेजिस्टेंस और लास्ट होती है एग्जॉस्टन। अलार्म स्टेज में पर्सन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसमें वो प्रॉपरली स्ट्रेस की वजह से उसकी बॉडी में चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं जिसमें हार्ट बीट तेज़ हो जाना और प्रॉपरली सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स आ रही होती हैं जैसे ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है। लेट्स अज्यूम कि आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम आपके आपने अटेम्प्ट करना शुरू किया है और वो थोड़ा हार्ड है, यानी आपको मुश्किल लग रहा है अटेम्प्ट करने में, तो आप स्ट्रेस में आ गए हो जिसकी वजह से आपके फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं, यानी हाथ कंपना शुरू हो गए हैं, हार्ट बीट तेज़ हो गई है, इस तरह के और फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं जिसमें स्वेटिंग है। ठीक है, अब इस स्टेज को अलार्म स्टेज कहा जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज इज रेजिस्टेंस। जब आपकी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू होती है, जब आपको लग रहा होता है कि यू कैन डू योर एग्जाम और वहाँ पर प्रॉपर आप नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर जितने भी चेंजिंग्स आए होते हैं। ठीक, हार्मोनल चेंजिंग्स भी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये तब होता है रेजिस्टेंस जब आपको लग रहा होता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता है या ओवरकम किया जा सकता है। लास्ट स्टेज जो हैंस सिलाई ने मेंशन की है वो है एग्जॉस्टन। ठीक है, थकान। ये तब होता है जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म ही नहीं होती, यानी आपने पेपर अटेम्प्ट किया बट यू नो कि आपका पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हुआ, आप फॉर अ वीक जो है वो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हो कि मैंने अच्छा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, और इस तरह से आपकी बॉडी बॉडीली चेंजिंग्स जो होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। सो इस स्टेज को थकान या एग्जॉस्टन कहा जाता है। लेकिन अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन ओवरकम की जा चुकी है तो हम कह सकते हैं वो बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है और नॉर्मल की तरफ चली जाती है, और अगर नहीं जाती तो हम उस स्टेज को एग्जॉस्टन कहते हैं। ठीक है, सो ये है GAS यानी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम जिसको उर्दू में अमूमी मुवाफकत की अलामत कहा जाता है। नंबर 8 पे है डैश स्ट्रेस लीड्स टू इलनेस, कौन सा स्ट्रेस जो है वो बीमारियों की तरफ ले जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, ठीक है, वही ऊपर जो हमने डिस्कस किया कि अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग होगा, तवील होगा, तो वो आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, अलॉन्ग विद दैट साइकोलॉजिकली भी आप डिस्टर्ब रहोगे। सो क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो बीमारियों की तरफ ले जाता है। राइट ऑप्शन इज क्रॉनिक स्ट्रेस। नंबर 9 पे है इंटेंस इरेशनल फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और अ प्लेस इज कॉल्ड फोबिया। जब इंटेंस और इरेशनल फियर होगा किसी भी चीज़ का या किसी भी जगह का तो वो फोबिया कहलाएगा। अगर हम सिंपल फियर की बात करें या खौफ की बात करें तो वो वाकई में ही किसी भी थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट से हमें डर लग सकता है तो उसको हम खौफ कहेंगे, लेकिन ऐसा खौफ जो बेजा और हद से बड़ा हुआ होगा वो साइकोलॉजी में हम उसे फोबिया कहते हैं। नंबर 10 पे है एन अर्ज टू कैरी आउट एन एक्ट रिपीटेडली दैट इवन द सफरर थिंक्स इट इज अनरीजनेबल इज कॉल्ड और एन कंपल्शन। ऐसी अर्ज जिसमें पर्सन बार बार एक ही एक्शन परफॉर्म करने के लिए सोच रहा हो, ठीक है, एक ही एक्शन परफॉर्म करे, सोचे नहीं, यहाँ पे एक्ट की बात हो रही है, और इवन सफरर जो है जो पर्सन है वो खुद भी सोच रहा हो कि ये अनरीजनेबल है, यानी ये काम करना फजूल है, बेजा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इट्स बेसिकली कंपल्शन, जैसे जबर कहा जाता है। और अगर हम ऑब्सेशन की बात करें
तो ऑब्सेशन में क्या होता है, पर्सन परसिस्टेंटली या हम कह सकते हैं रिपीटेडली एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोच रहा होता है, ख्यालात का तसलसल होता है उसमें, ठीक है। यानी वो एक चीज़ के बारे में बार बार सोच रहा है कि मैंने इस तरह करना है, इस तरह करना है, और जब वो परफॉर्म कर लेगा तो वो कंपल्शन बन जाएगा। अगर वो ख्यालात तक रहता है तो वो ऑब्सेशन होगा, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज कंपल्शन, जिसे उर्दू में जबर कहते हैं। नंबर 11 पे है द फील्ड ऑफ स्टडी अबाउट हाउ पीपल्स थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शंस आर अफेक्टेड बाय अदर। ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी जहाँ पर ओवरऑल ये असेस किया जाता है कि लोग जब सराउंडिंग्स में होते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल में होते हैं, तो किस तरह से उनकी सोच, उनके एहसास, उनके किरदार जो है वो असरअंदाज होते हैं। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो एक सोशल कॉग्निशन है, एक समाजियत है यानी सोशलाइजेशन, एक सोशल परसेप्शन है। दीज आर नॉट द फील्ड ऑफ स्टडीज, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी पे फोकस करना है तो सोशल साइकोलॉजी राइट ऑप्शन है, जिसे उर्दू में समाजी नफ्सियात का नाम दिया जाता है। सोशल साइकोलॉजी में ऐसा किया जाता है कि लोग अपनी सराउंडिंग्स में, सोशलाइजेशन के दौरान और सोसाइटी में किस तरह से मूव करते हैं, उनके एहसास, उनके किरदार किस तरह से असरअंदाज होते हैं बाकी लोगों की वजह से। सो द राइट ऑप्शन इज सोशल साइकोलॉजी। नंबर 12 पे है ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। इन ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड द टेंडेंसी टू एक्ट इज कॉल्ड डैश कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। ABC, ए स्टैंड्स फॉर अफेक्ट, यानी AFFECT अफेक्ट, जिसका मतलब होता है इमोशंस या फीलिंग्स। B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर एंड C स्टैंड्स फॉर कॉग्निशन। कह रहे हैं ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड में टेंडेंसी टू एक्ट को क्या कहा जाता है, वो या कौन सा कॉम्पोनेंट है एटीट्यूड का। सो बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर या फिर एक्शन, ठीक है। रवैयों के ABC अज्जा के मुताबिक किसी भी फर्द का अमल उसके रवैये का कौन सा जुज है। सो राइट ऑप्शन है जी बिहेवियरल यानी किरदारी। सो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन का एटीट्यूड बन गया है टूवर्ड्स स्पाइडर, वो तो हम कहेंगे ए फॉर अफेक्ट यानी इमोशंस। अब उसका एटीट्यूड बना है आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स, ठीक हो गया। अब उससे क्या हुआ है, बी बिहेवियर में क्या चेंजिंग्स आई हैं, वो अवॉइड करेगा उस सिचुएशन को, या कह रहा है कि जब भी स्पाइडर्स को देखेगा वो वहाँ से मूव आउट कर जाएगा या उस जगह से वो निकल जाएगा। सी इज कॉग्निशन, यानी उसकी कॉग्निटिवली उसकी क्या चेंजिंग्स आई हैं, वो ये सोचता है स्पाइडर्स आर डेंजरस। सो इस लिहाज से एटीट्यूड को एक्सप्लेन किया गया है ABC मॉडल के थ्रू, कि सबसे पहले हमारी इमोशंस और फीलिंग्स डेवलप होती हैं, फिर हमारा बिहेवियर चेंज होता है और हमारी कॉग्निशंस जो हैं वो उससे रिलेटेड डेवलप हो जाती हैं। सो बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर या फिर एक्शन, ठीक है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बिहेवियरल या किरदारी। नंबर 13 पे है द पॉपुलर सेइंग मंकी सी मंकी डू बेस्ट इलस्ट्रेट्स विच टाइप ऑफ लर्निंग। सो इट्स बेसिकली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि जैसा देखा जाए वैसा ही किरदार में तब्दीली आए, या एक पर्सन या कोई भी एनिमल एक्शन परफॉर्म करे या कोई भी, तो हम उसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं, कि मुशाहिदाती या मुजिश यानी पर्सन देख कर लर्न कर रहा है। राइट ऑप्शन इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नंबर 14 पे है Cognitive Dissonance Theory of Attitude Change was proposed by Pfistinger. Pfistinger ने Cognitive Dissonance Theory of Attitude जो है वो proposed की थी। Number 15, Negative Behavior towards member of a particular group is in a society is called dash. So किसी सामाजिक ग्रुप की तरफ मनफी रवैया जो है वो क्या कहलाता है। इंग्लिश में मेंशन है बिहेवियर, उर्दू में मेंशन है रवैया। सो बिहेवियर इज डिफरेंट एंड एटीट्यूड इज डिफरेंट। रवैया जो है वो उसको इंग्लिश में एटीट्यूड कहा जाता है। सो मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनर पूछना चाह रहे हैं नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में, नॉट फॉर नेगेटिव बिहेवियर। सो अगर किसी भी
पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर की तरफ एक हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो वो बेसिकली प्रेजुडिस कहलाएगा। लेकिन प्रेजुडिस जब बिहेवियर या एक्शन फॉर्म में शो किया जाता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ये आपने याद रखना है कि प्रेजुडिस जब तासुब, ये होता है ना कि आपका रवैया है, ठीक है, लेकिन एक्टिवली जब एक पर्सन जो है वो एक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है किसी भी ग्रुप को, किसी भी ग्रुप के साथ नस्ली इम्तियाज हो गया या उसकी तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ साथ बिहेवियर भी शो हो रहा हो तो वो डिस्क्रिमिनेशन में आता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो प्रेजुडिस है, तासुब है, जब के मनफी रवैया हम किसी भी ग्रोह की तरफ अगर रखेंगे तो वो प्रेजुडिस कहलाएगा। नंबर 16 पे है, द कॉमन गोल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काउंसलिंग टेक्निक इज टू रिलीव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, के मुशावरत के तमाम तरीकों का मकसद क्या है, नफसियाती मसाइल का हल, ठीक है। नंबर 17 पे है, मिसेस हसन इज द डायरेक्टर ऑफ गाइडेंस सेल इन अ स्टूडेंट मेंटल हेल्थ क्लिनिक, शी होल्ड्स अ डिग्री इन, मिसेस हसन तलबा के लिए बनाएगी जहनी सेहत के मरकज की सरबराह है, उनके पास कौन सी डिग्री है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ की बात हो रही है और गाइडेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू काउंसलिंग साइकोलॉजी, यानी मशावरती नफ्सियात की डिग्री उनके पास है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नंबर 18 पे है, ट्रांसफरेंस इज द बेसिक टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस, की बेसिक टेक्निक है जो सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी, जिसे उर्दू में तहलील नफ्सी कहा जाता है। नंबर 19 पे है, एवर्सिव थेरेपी, यानी कराहती तरीका इलाज जो है वो किस कंडीशनिंग पे बेस करता है या किस मशरूतियत पे बेस करता है, द राइट ऑप्शन इज क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। नंबर 20 पे है, जो लास्ट एमसीक्यू है हमारा, अकॉर्डिंग टू डैश इरेशनल एंड इलॉजिकल थॉट्स आर द मेजर कॉज ऑफ साइकोपैथोलॉजी, किसने कहा था कि हमारी गैर मंतकी यानी इरेशनल और गैर इस्तदलाली यानी इलॉजिकल सोचें जो हैं या इलॉजिकल थॉट्स जो हैं वो वजह बनती हैं साइकोपैथोलॉजी की, यानी जितनी नफसियाती बीमारियाँ हैं उनकी वजह है इरेशनल और इलॉजिकल थॉट्स, ये किसने कहा था, राइट ऑप्शन है जी एलिस ने, एलिस थेरिस्ट ने कहा था कि हमारी इलॉजिकल थॉट्स इरेशनल थॉट्स जो हैं वो हम साइकोपैथोलॉजी की वजह बनती हैं। सो आई होप आपको एमसीक्यूज अच्छे से समझ आए होंगे, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, आई एम रेडी टू आंसर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मजीद पास्ट पेपर्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो एफ ए पार्ट टू सॉल्व पास्ट साइकोलॉजी पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे, आप उसको विजिट कर सकते हैं, अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।